Hey everyone, this is Shweta. Welcome to UPSC Wala. वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके लेकिन आज का जो हमारा सेशन है वो काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम हिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले हैं बल्कि यूपीएससी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे तो जो भी स्टूडेंट 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहले जो एग्जाम का फर्स्ट स्टेज में बोलूंगी या पहला स्टेप है वो क्या है सबसे पहले जानना जरूरी है हमारे यूपीएससी एग्जाम का पैटर्न पैटर्न क्या होता है बेसिकली कि आप जिस पेपर के लिए अपियर होने वाले हैं या आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में आपको कौन कौन से पेपर देने हैं कितने मार्क्स के आपको वहां पर एग्जाम देने होंगे क्या स्टेजेस हमें देखने को मिलेंगे नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है या फिर सब्जेक्टिव मोड में है या ऑब्जेक्टिव मोड में है मतलब लिख कर आना है या फिर ओ एम आर शीट फिल करके आनी है तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले आपको जानना चाहिए मतलब युद्ध लड़ने से पहले युद्ध के मैदान के बारे में थोड़ा सा हमें ब्यौरा पता होना चाहिए तो आपको जो एग्ज़ाम देना है यू पी सी एस सी उसके एग्जाम में अपेयर होने से पहले पैटर्न वर्ड टू वर्ड दिमाग में सेट होना चाहिए दूसरा एग्जाम का सिलेबस सिलेबस क्या है सिलेबस है हमारे युद्ध के मैदान का हथियार यानी कि आप जिस एग्जाम में अपियर होने वाले हैं जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके लिए आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज फॉलो करते हैं इंटरनेट का यूज करते हैं तो जब भी आप इन चीजों का प्रयोग करेंगे प्रयोग करते हुए आपको क्या पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या स्किप करना है ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आपको कहाँ से पता लगेगा मतलब जो स्टूडेंट पूछते ना हम कौन सी बुक फॉलो करें हम कौन से सोर्सेज को फॉलो करें तो एक्चुअली ये खुद यूपीएससी बताता है कहाँ अपने में की अच्छे से समझ है, तो फिर आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा और आप जब भी कुछ पढ़ेंगे आप वही पढ़ेंगे चाहे न्यूज हुआ चाहे कोई बुक हुआ जो कि आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल होगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को काफी सारे स्टूडेंट्स यहां पर जुड़ चुके हैं तो सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग हाँ जी आ, जीरो लेवल से बताइएगा बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे हम हाँ जय श्री राम ठीक है तो ये काफ़ी दिन के बाद हम लाइव सेशन हमारा लेकर आए तो इस तरह की जेनरिक सेशन जल, जल्दी जल्दी अब हम कराते रहेंगे ताकि अभी से आप लोग प्लांट मैनर में प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सके मैम कौन से सब्जेक्ट्स कंपलसरी है बिल्कुल बताएंगे अनिकेत जी बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए तो हम यूपीएससी के बारे में एक एक स्टेप करके आज जानेंगे ठीक है हाँ जी बिल्कुल बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए हाँ वेरी गुड इवनिंग भाई स्टार्ट करते हैं जानते हैं हम थोड़ा सा कि एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है तो यूपीएससी सीएससी अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो ये जो एग्जाम है वो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करके फिर आपको एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अपॉइंट करता है यानी पहले आपका किया जाएगा पूरा विकास और पूरा पूरे विकास के लिए यूपीएससी जो है वो आपका एक नहीं बल्कि तीन पेपर कंडक्ट कराता है तो अगर हम यूपीएससी एग्जाम की बात करें जिसको आपको वन बाय वन क्रॉस करना होगा मतलब तीन सीढ़ियां हैं तीन पड़ाव है इन तीनों पड़ाव को क्रॉस करने के बाद जाकर आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अपॉइंट होते हैं सबसे पहले जो हमारी सीढ़ी है ये पहला स्टेज है इसको हम क्या बोलते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम या फिर इसे बोला जाता है प्रारंभिक परीक्षा ओके ये फर्स्ट स्टेज है अगर आप इसे पास कर जाते हैं तो आपको मौका मिलेगा दूसरे स्टेज में जाने के लिए दूसरा स्टेज जो है जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों मेंस का एग्जाम बोलते हैं या फिर इसे बोला जाता है मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा तो आपको ऊपरी तौर पर परखता है जो ये मेंस या फिर मुख्य परीक्षा है ये आपको पूरी तरह से जो आपका कंसेप्चुअल नॉलेज होता है उसके बारे में जानकारी लेता है कौन आपका मेंस का एग्जाम और जब आप मेंस का एग्जाम पास कर जाएंगे तब आपको मौका मिलेगा कहां पर इंटरव्यू यानी कि जो फाइनल स्टेज है जिसे हम बोलते हैं हमारा साक्षात्कार तो ये जो इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट है यूपीएससी ये भी देखता है कि आपके अंदर क्या पेशेंस लेवल है आपके अंदर क्या वो समझदारी है आपके अंदर क्या चीजों को मैनेज करने की क्वालिटी है तो फाइनली आपका इंटरव्यू टेस्ट होता है नॉलेज के साथ साथ यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी परखी जाती है और फिर जाकर आपको एक पूरी जिम्मेदारी दी जाती है ठीक है तो बेसिकली यूपीएससी सीएससी का एग्जाम जो है वो तीन स्टेजेस वाला है वन बाय वन मैं आपको यहाँ पर डिटेल से समझाने वाली हूँ बस पहला स्टेज ये पास करोगे तो इधर पहुंचोगे ये पास करोगे तो इधर पहुंचोगे और फिर यहाँ पास करते हो तो बनता है आपका फाइनल सिलेक्शन ठीक है तो ये था आपका एक ओवरव्यू अब वन बाय वन हम थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे हाँ जी Uh, क्या हो गया भाई ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम यूपीएससी सीएससी एस प्रिलिमिनरी एग्जाम का पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या है अगर हम बात करें प्रिलिमिनरी एग्जाम के पैटर्न की तो जो पहला पेपर है यूपीएससी का या जो प्रारंभिक परीक्षा है इस पेपर में आपके दो कंपलसरी एग्जाम लिए जाते हैं यानी जब भी आप यूपीएससी सीएससी फॉर्म भरते हैं फेबररी में तो आपका मे के आसपास एग्जाम होता है जैसे ट्वेंटी का ऑलरेडी डेट डिसाइड है कि में मे में आपका प्रिलिम्स का एग्जाम होगा तो जिस दिन आप प्रारंभिक परीक्षा देने जाएंगे उस दिन आपको दो पेपर देने हैं। एक ही दिन में दो पेपर होंगे पहला जिसे बोला जाता है टेस्ट के नाम से जाना जाता है यानी प्रिलिमिनरी का एग्जाम एक ही दिन होता है इस एक ही दिन में प्रारंभिक परीक्षा में आपको दो पेपर देने होंगे पहला जिसे आप बोलते हैं क्या बच्चों सामान्य अध्ययन पेपर वन ओके okay, दूसरा जिसे आप बोलते हैं सामान्य अध्ययन पेपर टू और ये दोनों पेपर जो है सेम डे कंडक्ट कराए जाते हैं इतनी बात सभी के समझ में आ गए ओके okay, सामान्य अध्ययन पेपर वन और सामान्य अध्ययन पेपर टू एक ही दिन में दो अलग अलग शिफ्ट में कराए जाते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में जीएस पेपर वन और आफ्टरनून जो आपका है जीएस पेपर टू लिया जाता है ओके okay. अब अगर मैं इन दोनों पेपर की बात करूं थोड़ा सा इसको समझते हैं ये पेपर किस तरह के होते हैं मल्टीपल चॉइस टाइप के यानी जब आप इस एग्जाम को देने जाते हो एग्जाम हॉल में बैठते हो तो आपको मिलता है एक क्वेश्चन पेपर और उस क्वेश्चन पेपर के साथ आपको क्या मिलती है ओ शीट मिलती है ओके ओ शीट जिसमें छोटे छोटे सर्कल बने रहते हैं ओके okay. तो यहां पर आपको कुछ लिखना नहीं है जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उस क्वेश्चन पेपर से देखना है आपको कौन सा आंसर आता है जो जो आंसर आते हैं उस पर टिक करते रहना है और जैसा आपको कंफर्टेबल होता है जैसी भी आपने प्लानिंग की होती है उस हिसाब से आपको ओ एमआर शीट फिल कर कर आना है यानी एक क्वेश्चन के चार आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का या मल्टीपल चॉइस टाइप का आपका जीएस पेपर वन कंडक्ट कराया जाता है साथ ही जीएस पेपर टू जो आप नेक्स्ट uh, शिफ्ट में देंगे इसमें भी यही होता है आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और साथ में उसके ओ शीट दी जाएगी और आपको इसके हिसाब से अपना ओ शीट यानी आंसर जो है उसके गोले भर कर आने ठीक है थीके? तो इस तरीके का पेपर होता है आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इसे स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं ओके दूसरा आगे क्या बोल रहा है ये पेपर कितने समय के लिए लिया जाता है दोनों पेपर का जो समय निर्धारित किया है वो दो घंटे का जीएस पेपर वन के लिए भी आपको पूरे दो घंटे का समय दिया जाता है जीएस पेपर टू के लिए भी आपको दो घंटे का समय दिया जाता है इन दो घंटे में आपको कितने क्वेश्चन करके आने होते हैं तो जीएस पेपर वन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं हंड्रेड क्वेश्चन और जीएस पेपर टू में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं एट्टी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओके तो इसमें सौ प्रश्न आते हैं एक प्रश्न का कितना मूल्य दिया होता है दो अंक ओके यानी हर एक क्वेश्चन पर दो नंबर आपको दिए जाते हैं तो टोटल अगर हम बात टू हंड्रेड मार्क्स का लेकिन मार्क्स का होता है टू मार्क्स, मार्क्स, मार्क्स का होता है या दो अंक का तो -फट प्रारंभिक परीक्षा दो पेपर लिए जाएंगे एक ही दिन में होगा सामान्य अध्ययन पेपर एक सामान्य अध्ययन पेपर दो ओके दो दो घंटे का पेपर होगा दोनों में ही आपका मल्टीपल चॉइस चार स्टेटमेंट दिए होंगे और आपको ओ शीट फिल करके आना होगा ठीक है 200, 200 टू मार्क्स का पेपर होगा यहाँ तक सबको क्लियर है अब थोड़ा सा और जान लेते हैं हम अभी मैं बताऊंगी नहीं आगे हम देखेंगे पेपर वन में क्या होता है पेपर टू में क्या होता है फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान रखिए कि जो जीएस पेपर वन होता है इसके मार्क्स से ही आपका क्या बनता है कट ऑफ बनता है यानी आपका जो कट uh, ऑफ uh, बनने वाला है जिसे पता लगेगा कि भैया आप पास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो किस पर डिसाइड होता है जीएस पेपर वन पर ओके okay, तो यहाँ पर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना होता है यहाँ पर आपका कंपटीशन सबसे ज़्यादा होता है वही अगर मैं जीएस पेपर टू की बात करूँ तो ये किस तरीके का होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है क्वालिफाइंग का मतलब है कि केवल आपको इसको पास करना है अस्सी में से इतने ही प्रश्न बनाकर आने थर्टी थ्री परसेंट आप स्कोर कर लो पास हो जाओ लेकिन ये कंपलसरी है दोनों पेपर कंपलसरी है यानी जो क्वालिफाइंग है इसको भी आपको पास करना जरूरी है अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर आपका ये पेपर का कोई वजूद नहीं है आप फेल ही माने जाओगे क्लियर हो गया तो जब आप प्रिलिमिनरी एग्जाम में जाते हैं तो आपको मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर में तो प्रॉपर युद्ध लड़कर आना है जिसमें बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देना है कि मुझे हंड्रेड क्वेश्चन में से मैग्जिम करेक्ट करके आने हैं ठीक है वहीं जो आपका दोपहर बाद का शिफ्ट होता है यहां पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी है लेकिन ध्यान रखना है इसको आपको क्वालिफाई करना है तो उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए कि इसको आप अच्छे से पास कर जाए थर्टी थ्री परसेंट जो है आपका स्कोर हो जाए अब यहां पर एक क्वेश्चन और आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में जो भी बच्चे यहां पर है हां जी हेलो ओके ठीक है अभी देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और जानते हैं कि जब आपको मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है और ओ एम आर शीट भरने का मन करता है या फिर पेपर में मिल रहा है तो कई बच्चे अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो खेल के सारा का सारा ओ एम आर शीट भर के आ जाते हैं यानी हंड्रेड में से हंड्रेड क्वेश्चन एट्टी में से एट्टी क्वेश्चन तो ये अच्छा होता है कब जब हमारा नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है लेकिन यूपीएससी आपको अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो खेलने का मौका नहीं देगा यूपीएससी ने यहाँ पर रखा है नेगेटिव मार्किंग कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठिए तो थोड़े से अलर्ट

कि जो जीएस पेपर वन है और जो जीएस पेपर टू है इसमें पूछा क्या जाता है तो अब आ जाते हैं हम हमारे प्रिलिम्स एग्जाम के सिलेबस पे ये हिंदी में लिखा हुआ है आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा इतना कुछ खास इंग्लिश नहीं था वो जनरल स्टडीज पेपर वन दोनों लैंग्वेज में अभी हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर वन की अगर मैं बात करूं या फिर सामान्य अध्ययन जो पेपर एक है इसमें क्या क्या पूछा जाता है एक ही पेपर है सौ क्वेश्चन पूछे जाएंगे हंड्रेड क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है तो टू हंड्रेड मार्क्स का पूछा जा रहा है तो अब बात करते हैं कि हंड्रेड क्वेश्चन जो है ये कहाँ से पूछे जाते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको इसके लिए प्रिपेयर करने होंगे तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया या इंडियन नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत का इतिहास तो भारत का इतिहास क्या है पूरे भारत का इतिहास यहां पर पूछा जाता है प्रिलिमिनरी एग्जाम में यानी यहां पर आपका एंशेंट हिस्ट्री प्राचीन भारत का इतिहास पूछेगा यहां पर मध्यकालीन भारत का इतिहास पूछेगा और यहां पर आधुनिक भारत का इतिहास पूछेगा तो भारतीय इतिहास पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षा में अब आप बोलोगे स्पेशली ये भारतीय इतिहास क्यों बोला क्योंकि अगर हम केवल हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री तो दोनों हो सकती है एक विश्व का इतिहास भी होता है और एक भारत का इतिहास भी होता है अच्छा यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं

आपको आजाद कराते हैं वो पूरी स्टोरी यहां पर बताई गई है तो इस पर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होता है ठीक है आगे बढ़ जाते हैं करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट यानी हमारे जितना भी करंट अफेयर है वो पूछा जाएगा लेकिन करंट अफेयर केवल देश का नहीं बल्कि विदेश की भी जो भी रिसेंट में हुई घटनाएं हैं वो सब पूछी जाएंगी अब बच्चे यहाँ पे काफी डाउटफुल होते हैं कि भाई करंट अफेयर जो है वो हमें कितने समय का तैयार करना चाहिए देखिए समय जैसा करंट अफेयर के लिए कुछ नहीं होता है जनरली जो भी अभी आप आज से भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आज से छः महीने पुराने की घटना भी वहां पर आ सकती है मतलब उसका भी वहां पर विश्लेषण हो सकता है दो महीने पुरानी घटना का भी विश्लेषण हो सकता है तो हम समय एग्जैक्ट निर्धारित नहीं कर सकते बस ये है कि कोशिश की जाती है कि हम आ, जो है एटीन मंथ का अपना करंट अफेयर एटलीस्ट कवर कर लें यानी ले एक साल से डेढ़ साल तक बारह महीने से अट्ठारह महीने तक का करंट अफेयर कवर कर लें तो अभी आप लग जाइए अपना नेक्स्ट ईयर अगर, अगर आपका टारगेट है तो नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर को प्रिपेयर करेंगे सिलेबस को देखते हुए ठीक है यूपीएससी सीएससी का जो सिलेबस है उसके आसपास ही आपको घूमना है अगला मतलब वो नहीं कि इसने इसको मारा जाकर वो पढ़ पढ़ना है स्पेशली वो हमारे किसी काम का नहीं है ठीक है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन

जो आपका काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इकोनॉमी रिलेटेड पूछे जाते हैं लेकिन हम उसको अलग से थोड़ा सा नहीं देख पाते हैं क्योंकि इकोनॉमी करंट अफेयर काफ़ी कुछ मिक्स हो जाता है तो इकोनॉमी का अच्छा वेटेज है और uh, थोड़ा सा कवर करने में भी इजी रहता है आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट है जनरल इश्यूज़ ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज अभी इसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में जगह दे दिया गया है क्योंकि भाई हमारे uh, पूरे अगर मैं वर्ल्ड कंटेक्सट में बात करूँ तो आजकल इतने सारे एनवायरमेंटल इशूज़ आ चुके हैं बहुत सारी पर्यावरणीय घटनाएँ हो रही हैं जिसको हमें फेस करना पड़ा उसमें से बहुत ही एक फेमस है जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग है ना तो इस तरीके की काफ़ी सारी प्राकृतिक आपदाएँ हैं जो मनुष्य को देखने को मिल रही है इसलिए यू ने अलग से इसको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है तो आपको यहाँ पर पर्यावरण पारिस्थितिकी बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन को तैयार करना होगा प्लस जनरल साइंस यहां पर एक और चीज़ हाईलाइट की गई है जनरल साइंस काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट थे मैंने हाँ मैं इधर देख रही हूं मैंने देख लिया भाई आप लोगों को चलिए ठीक है मैम कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी अनिकेत जी बस थोड़ा सा वेट करिए अभी हम आएंगे जो हमारे दो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी हम बात करेंगे सॉरी जो हमारे सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं उसकी हम बात करेंगे प्रिलिमिनरी में दोनों ठीक है बाकी आप किस कंटेक्स्ट में पूछे थोड़ा वो और मुझे बताइएगा हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता रही थी क्या बता रही थी हाँ जनरल साइंस तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से पढ़ाई करते हैं तो उनको लगता है कि अरे यार ये हमारा साइंस वाला पोर्शन तो वीक है देखो यूपीएससी क्लियरली बोल रहा है जनरल साइंस आपको उसमें पी नहीं करना है ठीक है तो बेसिक जो है सिक्स से टेंथ तक की एन आपकी अच्छे से कवर होनी चाहिए बायोलॉजी के लिए ट्वेल्थ के आपको कुछ चैप्टर्स कवर करने होते हैं तो बेसिक जो साइंस है जो आपने स्कूल में पढ़ा होता है टेंथ तक तो सॉरी नाइन्थ बाद चेंज हो जाता है तो बेसिक ही साइंस जो है वो आपको यहाँ पे कवर कवर करना बहुत हाईफाई लेवल पर नहीं जाना है बेसिक जो कंसेप्ट है आपके वो देखने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के ठीक है आगे बढ़ जाते हैं डेवलपमेंट डेवलपमेंट सस्टेने, सस्टेनेबल डेमोग्राफीज हो गया सोशल सेक्टर इनिशिएटिव हो गया इनसे रिलेटेड भी आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी कि कुल मिलाकर अगर हम समरी देखें हमारे जीएस पेपर वन यानी कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं हंड्रेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हंड्रेड क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतिहास के कुछ गोल के ठीक है कुछ अर्थव्यवस्था के कुछ राज व्यवस्था के तो ये चार सब्जेक्ट्स पर तो आपकी अच्छे से कमांड होनी चाहिए हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकॉनॉमी इसको आपको अच्छे से कवर करना है ठीक है तो कई बच्चे आजकल बिल्कुल करंट अफेयर के पीछे भागते है? नहीं जीएस जो आपका जो आपका ऑलरेडी है जो आपका कोर है उसको कभी नहीं भूलना है ये कोर सब्जेक्ट ही आपको मेन्स तक ले जाएगा ठीक है और मेन्स में भी यही कोर सब्जेक्ट काम आएंगे तो अच्छे से आपको अपना हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकॉनमी कवर करना है फिर इसके बाद हमारा साइंस है एनवायरमेंट इकोलॉजी इस पर आप थोड़ी सी अपनी पकड़ बनाइए लेकिन ये थोड़ा सा बेसिक लेवल का ही पूछता है बहुत अपर लेवल का नहीं पूछता है और फिर थोड़ा अपना करंट अफेयर हो गया उस पर थोड़ा सा कमांड बनाइए बस इन्हीं कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर चलिए फिर देखिए आपका प्रिलिम्स कितने अच्छे से क्लियर हो जाता है या कवर हो जाता है ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट जनरल स्टडीज पेपर टू रिसेंटली अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम हुआ था काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे बड़े दुखी थे जनरल स्टडीज पेपर टू को लेकर यानी सी सेट के पेपर को लेकर ठीक है सी सेट के पेपर को लेकर दुखी इसलिए क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चों को बड़ी शिकायत होती है और होनी भी चाहिए कि भाई हमारा ये सब पोर्शन जो है वीक और इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन कोई बात नहीं हमें घबराना नहीं है हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कोई बात नहीं जितना भी टफ पूछे हम नेक्स्ट टाइम और अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे और हम अपनी प्रिपरेशन उसी लेवल पर लेकर रखेंगे ठीक है तो अब अगर एप्टीट्यूड या फिर जीएस पेपर टू की बात करें इसे बोला जाता है

क्वालीफाइंग है तो हमें इसी हिसाब से इसकी प्रिपरेशन करनी है बस थोड़ा सा सिलेबस को ध्यान में रखना है कि भाई सिलेबस क्या बोल रहा है अच्छा मेरा ये पोर्शन भी का कोई बात नहीं क्वालीफाइंग है टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं इस वाले पोर्शन को छोड़ दूं कुछ और तैयार कर लूं जिससे मेरे 50 50 क्वेश्चन कवर हो जाए तो हमको पैनिक नहीं होना है हमें उस पर ज्यादा जोर नहीं देना है कि वो आता ही नहीं बिल्कुल पूरा उसमें एफर्ट करे कुछ और चीजें हैं जो हमें आती हैं जिसमें हम अच्छा मेहनत करके उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाके इसको क्वालिफाई कर सकते हैं ठीक है थीके? तो ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है इसमें क्या बात करें कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं आपके हिंदी के वो गद्य पद्य टाइप के आते हैं उसमें से आपको आंसर जो है वो सिलेक्ट करने होते हैं इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल रिलेटेड डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कुछ क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर कॉम्प्रिन्हेंट टेंशन के दिखेंगे पैराग्राफ दे देगा आंसर छाटने होंगे कुछ क्वेश्चन आपको रीजनिंग के दिखेंगे है ना रीजनिंग के अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन दिखते हैं जैसे कि डिरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इस दिशा में चला फिर इस दिशा में फिर इस दिशा में तो ये तो दो चार बार प्रैक्टिस करके आपका खुद ब खुद हो जाएगा एक जो पूरा फैमिली चार्ट होता है उससे ब्लड रिलेशन वाला उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो ये बहुत बेसिक चीज़ें जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना खुद ब खुद इसमें प्रो हो जाएंगे ठीक है इसके अलावा कुछ बेसिक न्यूमेरिसिन यानी कि थोड़ा सा मैथ से रिलेटेड यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं

करेंगे ऐसी स्थिति में तो वो जब दो चार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा इमोशनल होकर प्रैक्टिकल होकर मैं उस पद पर होता तो क्या करता तो वो आपका आपका बस यही है है एप्टीट्यूड का टेस्ट है, जो क्वालिफाइंग होता है। और इसके लिए मैं सिर्फ बच्चों को यही बोलूंगी कि थोड़ा सा आपको काम करना होगा और काम करते हुए आपको क्या करना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे खुद ब खुद इस पर कमांड बन जाएगा स्टार्टिंग में थोड़ा ऑर्ड लगेगा जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है उन्हें कुछ लग सकता है कि यार ये प्रॉब्लम हो रहा है मुझे मैथ्स में या रीजनिंग में लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपका एक होल्ड हो जाएगा और इस लायक तो हो जाएंगे एटलीस्ट आप इसको क्वालिफाई कर जाए ठीक है तो बस इतना ही इसका रोल है इसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लाना है इसको हटाने का ये करने का नहीं पूरा ध्यान इस पर कि हमें कैसे अपने आप को मजबूत करना है ठीक है मैम सिर्फ मैथ से क्लियर हो सकता है कि नहीं बच्चा कोई भी आ, कोई भी एक सब्जेक्ट से एक सब्जेक्ट को पकड़ के मत बैठना कभी भी है ना नंबर ऑफ क्वेश्चन कभी कम ज़्यादा आ गए फिर क्या करोगे है ना तो अभी आपको क्या करना है कोई एक ऐसा है कि बिल्कुल ही आपका वो सब्जेक्ट बहुत वीक है तो आप थोड़ा बहुत कामचोरी वहां पर दिखा सकते हो कि अरे यार इसको थोड़ा हम साइड कर दें क्योंकि क्वालिफाइंग है लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप छोड़ छोड़ के चलो एक सब्जेक्ट नहीं क्वालिफाइंग पर ध्यान देना है वरना जीएस में आपने जितनी भी मेहनत कर रही है वो सारी वेस्ट हो जाएगी अगर आप क्वालिफाइंग

समझ आपकी विकसित हो जाएगी और ऐसे दस बारह टेस्ट दे दो तो अगली बार खुद-बखुद आपका स्कोर बढ़ने लग जाएगा क्वालिफाइंग आई एस सिलेबस फॉर मेंस मेंस का थोड़ा सा पैटर्न और सिलेबस देख लेते हैं द क्वेश्चन पेपर फॉर दई एस मेन्स एग्जामिनेशन विल बी ऑफ द अच्छा ये देखो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जहां प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन था प्रिलिमिनरी का पेपर हुआ पेपर वन हुआ पेपर टू हुआ पेपर टू आपको क्वालिफाई करना है पेपर वन से आपकी कट ऑफ निर्धारित होगी काफ़ी चीजें आपके कट ऑफ को वेरी करती हैं नंबर ऑफ वैकेंसी हो गया प्लस दूसरा कि जो आपका पेपर है वो ईजी है टफ है इन सारी चीजों से थोड़ा बहुत वेरी करता है आपका कट ऑफ ठीक है अगर आप इस कट ऑफ को क्लियर करते हैं फिर आप कहाँ जाएंगे आपको मौका मिलेगा मेन्स का पेपर देने का ठीक है तो ये जब कट ऑफ क्लियर करते हैं ये ध्यान रखना है बस यहीं तक है इसके मार्क्स आप आगे लेकर नहीं जा रहे यहीं पर आपको रुक जाना है ये

पेपर का थोड़ा सा पैटर्न देख के कि आपका जो लिखने का स्किल है वो अच्छा होना चाहिए क्योंकि आपको लिख के अपने आप को दर्शाना है है ना जो वहां पर जो भी चेक करेंगे आपकी कॉपी तो वहां पर आप उनके सामने उपस्थित नहीं होंगे आपको कितना भी ज्ञान है कितनी अच्छी नॉलेज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कॉपी में किस तरीके से प्रेजेंट किया है यानी आपका जो लिखने का स्किल है राइटिंग स्किल है वो कितना अच्छा है उस पर डिपेंड करेगा आपके मार्क्स यानी आपको ये स्किल डेवलप करना होगा नॉलेज है अलग बात है यहां पर आपको राइटिंग स्किल पर काम करना पड़ेगा का। दूसरा ये ये भी स्किल डेवलप करना होगा कि तीन घंटे आप लगातार लिख सको बहुत बड़ी बात होती है तीन घंटे लगातार लिखना तो भाई तीन घंटे एक तो सिटिंग करना सीख जाओ तीन घंटे बैठ के हमें पेपर मिल रहा तो हम लिख सके वरना क्या होता है दस मिनट पढ़ रहे हैं, फिर एक बार फोन चेक कर लिया एक बार पानी पीने चले गए एक बार वॉशरूम चले गए बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं तो यूपीएससी बोलता है कि थोड़ा सा ठहराव जरूरी है स्टडी करो तो प्रॉपर वे में बैठना सीखो ताकि आप मेन्स के पेपर में बैठ सके अब आ जाते हैं टोटल नंबर ऑफ पेपर यानी मेन्स में आपके टोटल कितने पेपर होते हैं हर दिन दो पेपर आपके लिए जाते हैं एक दिन में आपको तीन घंटे नहीं एक दिन में आपको छ घंटे लिखना है एक शिफ्ट में तीन घंटे लिखना है फिर दूसरे शिफ्ट में तीन घंटे लिखना है बीच में आपको एक ब्रेक जरूर मिलेगा लेकिन ये तीन तीन घंटे छः घंटे लिखने का स्किल वो भी अलग अलग पेपर के लिए वो माइंड सेट कि सुबह हम कुछ और सोच के साथ गए थे अब हम दूसरे शिफ्ट में कुछ और सोच के साथ किसी और पेपर को अपियर करने वाले हैं ठीक है तो बड़ा बहुत अच्छे से यूपीएससी जो है वो आपको जांच के फिर भेजता है तो अब आ जाते हैं यूपीएससी का

क्वालिफाइंग नेचर के हैं ठीक है थीके? इन दोनों पेपर को केवल आपको पास करना है ओके इसके मार्क्स आगे नहीं जाएंगे पहला पेपर जो होता है वो किसका होता है इंडियन लैंग्वेज का जो कि कहां पर मेंशन है एट स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अब आपको जब आप संविधान पढ़ेंगे यानी जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कि फ्रेशर्स हैं यहाँ पर जो अभी तैयारी चालू करी है जब भी आपको मौका मिलेगा और आप मौका मिलते ही क्या स्टडी करेंगे पॉलिटी की किताब उठाओगे और पॉलिटी पढ़ना चालू करोगे जिस भी सोर्स से पढ़ो आप जनरली लक्ष्मीकांत फॉलो कर लेते हैं तो वहां पर आप जब अनुसूची को पढ़ोगे स्केड्यूल तो हमारे संविधान की टोटल ट्वेल्व ट्वेल्व uh, हमारे पास में स्केड्यूल दिखाई देते हैं बारह अनुसूची और उन बारह अनुसूची में से एक आठवीं अनुसूची है आठवीं अनुसूची बात करती है भारत में मान्यता संविधान द्वारा मान्यता दी गई भाषाओं की जिसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिकोग्नाइज करता है ओरिजिनल हमें ट्वेंट सॉरी फोर्टीन लैंग्वेजेस दिखाई देती थी बाद में अमेंडमेंट कर करके ट्वेंटी टू लैंग्वेजेस तो बात कर रहा है कि जो पेपर ए है ना वो आपकी आठ अनुसूची में जो भाषा दी गई है उसका उसमें से किसी एक का आपका पेपर होगा अब जो हिंदी बेल्ट का व्यक्ति है वो हिंदी को चुन लेता है जो नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट का होगा वो वहां की लैंग्वेज उठा लेगा जो वेस्टर्न वाले रीजन का होगा वो वहां का उठा लेगा जो दक्षिण भारत का होगा वो वहां पर उठा लेगा तो सभी पूरे देश के जितने भी अलग अलग पता है ना इंडिया में कितनी डायवर्सिटी है तो डायवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए यहां पर ही मैंशन किया गया है कि एट्स केड्यूल में जो भी लैंग्वेजेस हैं उनमें से किसी एक का आप जिसमें कंफर्टेबल है एक लैंग्वेज पेपर आपका होता है पर ठीक है थ्री हंड्रेड मार्क्स का इसको आपको पास करना है दूसरा आपका एक इंग्लिश का पेपर होता है इंग्लिश के पेपर को लेके बच्चे बड़े दुखी हो जाते हैं स्पेशली हिंदी मीडियम वाले कि भाई हम कैसे करें यहां पर लिख कर आना इंग्लिश में तो देखो बहुत पैनिक नहीं होना है आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर काम करने वाले जब आप जब आप बन जाएंगे ना तो एक में, एक साल के बाद आप खुद ही इंग्लिश में सारा बोलने लग जाएंगे बहुत सारा आप काम जो है वो कंफर्टेबल हो जाते हैं उसे करने में तो आगे चलकर भी आपको ये करना है अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं आकाश ये इंग्लिश का हट जाता ना फिर मैं बन जाता आई एस ऑफिसर बन जाता तो बहुत मजा आ जाता

तो इसलिए अभी थोड़ा सा सीख लो और हम सिर्फ इसमें क्वालिफाइंग की बात करें तो इतना प्रैक्टिस करिए कि आप थ्री हंड्रेड में से क्वालिफाइंग मार्क्स ला के इसे निकाल सके तो बस इन दोनों पर इतनी मेहनत करनी है कि इसको आपको पास कर लेना है अब आ जाते असली यहाँ से वो चीज़ें जो हमें आगे लेकर जानी है वो मार्क्स जो हमें आगे लेकर जाने हैं ये है वो सब्जेक्ट जो कि आपको इंटरव्यू तक लेकर जाएंगे प्लस यही वो सब्जेक्ट है जिनके मार्क्स इंटरव्यू में ऐड हो जाएंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट में इन मार्क्स का बहुत ज़्यादा रोल

नॉलेज है जब आपकी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर बहुत अच्छी नॉलेज होगी करंट अफेयर पर अच्छी कमांड होगी तो लास्ट में आपको थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करना और बहुत अच्छा आप ऐसे लिख सकते तो ऐसे लिखने के लिए अलग से पढ़ने का नहीं जितना ज्यादा आप आज ज्यादा आपका नॉलेज होगा जितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी सब्जेक्ट में जो आप डाइवर्सिटी देखते हैं वो आपके ऐसे में दिखाई देने लग जाएगी ठीक है और ये लंबा प्रोसेस है ऐसे पहले ये जीएस जो है उस पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए चार जीएस के पेपर होते हैं कौन कौन से जीएस पेपर वन जनरल स्टडीज पेपर वन जनरल स्टडीज पेपर टू जनरल स्टडीज पेपर थ्री जनरल स्टडीज पेपर फोर यानी सामान्य अध्ययन एक दो तीन चार ये चार पेपर होते हैं और चारों ही पेपर वन, पर आपके 250 250 मार्क के होते हैं क्या आता है वो थोड़ा सा हम अभी डिस्कस करेंगे 250 250 250 250 यानी ये चार 250 नंबर के पेपर आपके होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें जो चीजें हैं ना काफी कुछ वही है जो आप प्रीलिiminary एग्जाम के जीएस पेपर वन में पढ़कर आए थे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकॉनमी साइंस एनवायरनमेंट करंट अफेयर तो जितना वो वहां स्ट्रांग होगा यहां पर हेल्प करेगा तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में जीएस पेपर वन पे बहुत कमांड बनाओ ताकि वो मेंस में आपके लिए हेल्पफुल हो सके ठीक है इसके अलावा हमारे दो वैकल्पिक विषय के पेपर लिए जाते हैं आपका वैकल्पिक विषय या फिर जिसे हम ऑप्शनल सब्जेक्ट कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट तो आपका एक ही होता है यानी टोटल आपका एक ही वैकल्पिक विषय का पेपर होगा लेकिन ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना इसके पेपर दो लिए जाते हैं विषय एक है लेकिन इस एक विषय के दो पेपर होते हैं समझ में आ गया पेपर वन पेपर टू क्लियर हो गया और ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनल सिलेक्शन में कि आप सिलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं क्योंकि ऑप्शनल जो है ना वो अपने खुद का सब्जेक्ट है उस पर आपका खुद का एक कमांड होता है तो जितना ज्यादा आपका वैकल्पिक विषय अच्छा तैयार होगा ओके okay, क्योंकि ये जनरल कॉम्पिटिशन जनरल से थोड़ा अलग कर देता अगर आपका इतिहास है वैकल्पिक विषय तो केवल आपके उन्हीं बच्चों से फाइट है जो कि इतिहास अपना वैकल्पिक विषय लेकर चल रहे हैं अब इतिहास का आपका पेपर आ रहा है आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस

नंबर का आपका होता है। तो चार के पेपर ऑलमोस्ट वही है। थोड़ा बहुत अगर हम एथिक्स या कुछ चीजों को हटा दे सिक्योरिटी वगैरह तो बाकी ऑलमोस्ट जीएस पेपर वन वही सॉरी जीएस के चार पेपर वही सब्जेक्ट है जो पेपर वन में आप पढ़कर आए थे बस थोड़ा सा यहां पर अलग लेवल पर आपको प्रेजेंट करना होगा ठीक है वैकल्पिक विषय आपका अपना विषय है आप इसमें ऑलरेडी कंफर्टेबल है एक ऐसे ही तो बच्चा है ऐसे का क्या है ऐसे कुछ नहीं है जितना ज्यादा आपका ये सब तैयार रहेगा उतना अच्छा आप ऐसे लिख पाएंगे ठीक है तो ये आपका टोटल जो मेंस का पेपर होता है वो कितना होता है सेवनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी मार्क्स का यानी साढ़े नंबर का आपका मेन्स का पेपर लिया जाता है आई होप यहां तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा ठीक है अब इन सेवनटीन मार्क्स में से जितना अच्छा आप स्कोर करेंगे उतने ज्यादा आपके

दो ऑप्शनल तीन सब्जेक्ट ये हो गए चार जीएस के सात सब्जेक्ट हो गए तो मेंस के टोटल नौ नौ पेपर होते हैं हैं में से दो नेचर के हैं, बाकी सात वो है जिसके नंबर आगे जाएंगे साढ़े सत्रह सो मार्क्स का ये पेपर लिया जाता है ठीक है चलो अभी बढ़ जाते हैं हम आगे अब यहां पर थोड़ा सा मेंस का सिलेबस जान लेते हैं बहुत तेजी से हम मेंस का सिलेबस सिलेबस डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे एक बार मुझे आ, हाँ मैम जीएस पेपर वन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं पेपर टू में कौन से आते सब बताएंगे पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री पेपर फोर चारों को हम देख लेंगे ठीक है थोड़ा सा पेशेंस रखो बस पहुंच ही रहे हैं बीच में ऐसे बता दूंगी गड़बड़ा जाएगा ठीक है हाँ हाँ बिल्कुल अभी बताएंगे बस थोड़ा सा रखिए ठीक है यहाँ तक सबको क्लियर है करंट अफेयर कैसे तैयार करें देखो करंट अफेयर तैयार करने के लिए मैं सबसे पहले बोलूंगी कि एक तो डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर को आप पढ़ो आप कई बच्चे बोलते हैं द हिंदू पढ़े ये पढ़ो आप जिसमें कंफर्टेबल हो पहले तो आप वो पढ़ना चालू करो क्योंकि क्या होता है आप जब भी कोई मंथली मैगजीन फॉलो करते हो मंथली मैगजीन क्या आए महीने में आ रही है यानी आप पूरे महीने का खाने एक दिन खाओगे तो क्या हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ना प्लस आपने डेली बेसिस पे जैसे कॉलोनी में होता है लोग चुगलिया करते हैं डेली बेसिस पे बाहर निकलते हैं वॉक करते है, इसकी स्टोरी उसकी स्टोरी तो याद नहीं करना पड़ता है आराम से धीरे 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 मेमोरी में सेट हो जाती है पूरी कहानी पूरे जीवन की कहानियां याद होती है तो so एक्टली exactly ऐसे ही जो आपका करंट अफेयर रहता है इसका छोटा छोटा डेली डोज लेना होता है और डेली डोज के लिए आप क्या कर सकते हैं कोई ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है हमारे प्लेटफॉर्म पर उसकी हेल्प ले सकते हैं लेकिन आप न्यूज को जरूर देखिए घर में जो न्यूज आ रहा है ना एक बार उसको पलट लिया करो जल्दी से थोड़ा बहुत आप देखते रहोगे अच्छा पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है अच्छा ये वाली घटना हो गई है इकोनॉमिकली हम अप डाउन हो रहे हैं क्या हो रहा है ये सारी चीजें ना थोड़ी आपके नजर में रहेंगी तो वो ऐसे ऐसा डोज होता है ना जो ऑटोमेटिक आपके अंदर जा रहा होता है और जब आप मंथ के एंड में मंथली मैगजीन उठाकर पढ़ते हैं ना तो आपको लगता है कि अच्छा पूरे महीने हमने ये सब सुना है अब इसी को सही तरीके से ये मंथली मैगजीन रिप्रेजेंट कर रही है तो ऐसे आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा बस इतना ही करना है उसको इतना बोझ बना लिया है ना हमने करंट अफेयर को कि करंट अफेयर अच्छा बहुत मेहनत करना है इसे भी पढ़ लो उसे भी पढ़ लो उसे पढ़ लो और कुछ नहीं पढ़ पाते हैं एंड में बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि यूपी

टाइम रिवाइज करिए फिर देखिए आपका करंट अफेयर कितना स्ट्रॉग हो जाएगा ठीक है और बाद में आपको जो मन करे आप टेस्ट सीरीज वगैरह के थ्रू और मजबूत कर सकते हैं चलो अभी फटाफट इसे देखते हैं और फिर हम अपने सेशन को एंड करेंगे हां जी ठीक है आ, कुछ बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं इलेवंथ क्लास के ट्वेल्थ क्लास के तो आप लोग को बस यही करना है कि घर में जो भी आपके अखबार आता है उस अखबार पे थोड़ी सी अपनी नज़र डालते हुए चलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करिए डेली बेसिस पे ठीक है और कोई मैंने बहुत सारे ऐसी लड़कियों को देखा है जो उसमें जाएंगी बॉलीवुड हॉलीवुड का कोई न्यूज़ आएगा वो पढ़ेंगे लड़के स्पोर्ट्स का ढूंढते हैं ठीक है ये अपने इंटरेस्ट से अलग थोड़ा सा एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से या सोसाइटी के परस्पेक्टिव से भी आपको चीजें देखनी होंगी आगे बढ़ जाते हैं इंग्लिश का फटाफट देखते हैं इंग्लिश का क्या सिलेबस है वही जो क्वालिफाइंग है थ्री हंड्रेड मार्क्स का तो यहां पर कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए जैसा क्वालिफाइंग है ना आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा ठीक है प्रिसाइज uh, राइटिंग आता है वोकेबलरी uh, पूछा जाता है शॉर्ट ऐसे पूछा जाता है तो ये सारी चीजें ऐसी ना जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो अगर आप वीक में भी जैसे आपका पूरा तैयार हो जाता है दिसंबर तक अगर पूरा आप सिलेबस कवर कर ले रहे हैं तो वीक में भी अगर आप एक दिन दो दिन इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो आप फेमिलियर हो जाएंगे उसको लिखने के धीरे धीरे आपको पता लगेगा कहाँ कहां पे हमें इंप्रूव करना है कहां कहाँ

कला और संस्कृति और लास्ट में भारतीय समाज की बात कर रहा है तो देखो यहाँ पर बोल दिया सीधे छोटे शब्दों में इतिहास इतिहास का मतलब है सारा इतिहास चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री है चाहे इंडियन हिस्ट्री है सब कुछ इसमें इंक्लूड है ठीक है तो यहाँ पर आपका मेन्स में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी अच्छे से तैयार करनी होगी जोग्रफी सारा जोग्रफ़ी इसमें इंक्लूड है फिर आर्ट एंड कल्चर आर्ट एंड कल्चर की अलग से बात की गई कला और संस्कृति और कला और संस्कृति आर्ट एंड कल्चर को लेकर भी बच्चे बड़े परेशान रहते हैं अलग से पढ़ने की कोशिश करते हैं मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप हिस्ट्री या सब्जेक्ट्स की कवर कर रहे हैं तो जो आप हिस्ट्री पढ़ते है ना खुद जैसे हिस्ट्री से हम स्टार्ट करते हैं इंडस वैली, तो वैली कवर, कवर करते ना, वही के वही किस तरह के टेम्पल्स थे किस तरह की मूर्तियां थी क्या स्ट्रक्चर था वो साथ के साथ आर्ट और कल्चर को कवर करते हुए चलो तो आपको उसको अलग से निकाल के पढ़ने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी साथ के साथ आप उसमें और वो इजी रहता है याद करना अलग से रटने लग जाते हो ना तो बड़ा प्रॉब्लम होता है इसके अलावा क्या पूछ रहे हैं इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज इजी होता है ये चार सब्जेक्ट जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तब कभी कभी क्वेश्चन इधर उधर भी हो जाते हैं तो पैनिक नहीं होना है क्योंकि जब आप मेन्स का पेपर देने जा रहे हो एक ही दिन में दो पेपर हो रहे हैं तो ऑलमोस्ट आप प्रिपरेशन कर चुके रहते हो ठीक है तभी आप पेपर देने जा रहे हो तो ये वाला नहीं कि इधर उधर थोड़ा हो गया तो वहां पे नहीं ठीक है अभी हम अटेम्प्ट करने की सिचुएशन में हम काफी पढ़कर आए हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है जीएस पेपर टू जीएस पेपर टू आपका किसका होता है गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी सोशल जस्टिस आई इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा एड हो जा रहा है प्रीलिमिनरी एग्जाम में कुछ करंट रिलेटेड तो आई पूछ लिया जाता है स्पेसिफिक नहीं तो यहाँ पर ये चीज जो है ना वो मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से तैयार करना

इकोनॉमिक्स uh, किधर है भाई है कि नहीं ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा ठीक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमिक्स है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है यानी इसका काफ़ी अच्छा खासा वेटेज होता है इसके अलावा जो हमारा एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड क्वेश्चन है पर्यावरण पारिस्थितिकी जैव विविधता उसका यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट ये आपको तैयार करना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप देखिए हर पेपर में कुछ नई चीज ऐड हो जा रही है जो हमने में नहीं पढ़ा था, जो हमें में अलग से पढ़ना पड़ रहा है हो गया, पेपर अगर हम बात करें, तो यहां पर सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया वो एड हो गया ये तो आप पेपर वन प्रम्स में भी पढ़कर आए हो ये आ गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो साइंस एनवायरमेंट विज्ञान पर्यावरण पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था ये सब्जेक्ट्स तो हम पहले भी पढ़े थे यहाँ पर थोड़ा सा उस पर अच्छे से पकड़ होनी चाहिए ये थोड़ा सा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कवर करना होगा लास्ट है जिस पर आपको बिल्कुल अलग से जा तैयारी करनी होगी आपका जो आखिरी चौथा पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता नहीं क्यों वो स्टूडेंट्स इसे लाइटली लेते हैं लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मतलब आप नॉलेज के साथ तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन रहे हैं लेकिन आप उन चैलेंजेस को प्लस जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएंगी वहां पर कौन सी चीज़ सच्ची है कौन सी झूठी है इमोशनल होना है प्रैक्टिकल होना है ये सब आपको कौन सिखाता है हमारा जीएस पेपर one, ये ठहरा सॉरी जीएस पेपर फोर ये जो है ना ये सब्जेक्ट ये पेपर ये आपके अंदर बहुत ठहराव लाएगा ये आपके डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है ना उसको बहुत स्ट्रांग करता है तो ये इसका बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल है इवन ये आपको एक अच्छा इंसान भी बनाने में मदद करता है तो जीएस पेपर फोर जो है ये कवर करता है एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड ठीक है ये हमारा हो गया चारों पेपर ओके अब यहाँ पर मैं बात कर लू ऑप्शनल की ऑप्शनल जो है यहाँ पर यूपीएससी ने अच्छी

आप अपने ऑप्शनल को चूज करते हुए ध्यान रख सकते हैं जैसे कि सबसे पहले तो आपको फैक्टर किया जब आप यूपीएससी की तैयारी करें या फिर अगर ऐसा बच्चा है कि ट्वेल्थ के बाद ही डिसाइड करना चाह रहा है मेरा ऑप्शनल क्या हो और मैं ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट्स लू तो थोड़ा सा जीएस के पेपर को पढ़ लीजिए थोड़ा हिस्ट्री देख लीजिए थोड़ा जोग्राफी देख लीजिए पॉलिटी इकोनॉमी या कुछ सब्जेक्ट्स जो है जिसमें आपका इंटरेस्ट है उन्हें देख लीजिए उनका जो है इंटरेस्ट आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट बेसिकली किस में आ रहा है सबसे महत्वपूर्ण यही होता है क्योंकि ऑप्शनल से आपको प्यार करना होगा जितना प्यार में रहोगे उतना अच्छा स्कोर करोगे मेंस में तो अपना थोड़ा इंटरेस्ट देखिए इंटरेस्ट के लिए थोड़ा सब्जेक्ट को जानिए उसके जो टॉपिक्स है उसको जानिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा फिर दूसरा आपका ग्रेजुएशन में क्या रहा आप इस बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हो अगर आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉग है तो आप उसको भी एज अ ऑप्शनल कंसिडर कर सकते हैं तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके रिसोर्सेज मिल रहे हैं कि नहीं मतलब तो जो आपका कंटेंट है जो आपका मार्केट में बुक्स है वो ईजिली अवेलेबल है कि नहीं है या अगर आप कोचिंग भी लेने वाले तो कोचिंग भी अवेलेबल है कि नहीं है इसका सिलेबस भी आपको देखना होगा कि सिलेबस औकात में है कि औकात के बाहर चला गया है ठीक है इसके अलावा आपको देखना होगा इसका स्कोर कि इसका स्कोर कैसा आ रहा है मतलब प्रीवियस जो है फोर टू फाइव ईयर का ऑप्शनल का अपना स्कोर देख लीजिए कि क्या ये ठीक ठाक स्कोर इसमें बन जा रहा है तो ये कुछ चार पांच चीजें हैं जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं लेकिन इन चार पांच चीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको मजा किस में आ रहा है पढ़कर मजा आ रहा है तो बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो आप अपने आप कवर कर सकते हैं ठीक है तो ये हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसमें आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं ऑप्शनल वैकल्पिक विषय को लेते हुए बड़ा अलर्ट रहिएगा ये आपको आगे भी पहुंचा सकता है और कोई गलत डिसीज़न ले लिया ऑप्शनल को लेकर तो फिर गड़बड़ भी हो सकती है और कुछ बच्चों ने अगर ऑलरेडी गलत डिसीजन लिया हुआ है अगर आपको गलत डिसीजन मतलब ये नहीं कि किसी का सुनकर आपको अगर लग रहा है कि भाई आपका ऑप्शनल पे वो कमांड नहीं है आप बार बार एफोर्ड करें चीजें नहीं हो पा रही है तो आप चेंज भी कर लो ऐसा नहीं कि पकड़ के उसे बैठे हुए कि नहीं भाई अब इतना मेहनत कर लिया तो इसको नहीं छोड़ना है अगर लग रहा है कि नहीं हम इसमें कंफर्टेबल नहीं है छः आठ महीने उस पर आपने मेहनत किया है तो कोई बात नहीं वहीं पर उसे रोक दीजिए और आगे कुछ और आप डिसाइड कर सकते हैं ठीक है बस आपको डरना नहीं है क्योंकि आप क्या बनने जा रहे हो आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हो तो ऐसे चैलेंजेस के लिए आपको तैयार रहना होगा ठीक है लास्ट स्टेज है फाइनल स्टेज है साढ़े सत्रह सौ मार्क्स का पेपर देके आने के बाद अगर आप पास कर रहे हो, हो आपका आ, मेंस निकल रहा है तो आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे इंटरव्यू जो है वो टोटल कितने मार्क्स का कंडक्ट कराया जाता है 275 मार्क्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है और इसमें जितना भी आप स्कोर करें देखिए वो तो डिपेंड करता है कैसा आपका इंटरेक्शन हो रहा है इसका कोई टाइम नहीं है फिक्स क्योंकि मेन्स में तो मैंने बोला हर एग्ज़ाम के लिए आपको तीन तीन घंटे यहाँ पर आपका टोटल इंटरेस्ट पर डिवलप सॉरी जो आपके इंटरव्यूअर है उनके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है प्लस आपका इंटरेक्शन कैसा हो रहा है कभी कभी जब इंटरव्यू लिया जाता है मजा आता है बात करने में तो लंबी बात चल जाती है कभी कभी कचरा है चलो बाहर निकलो ऐसा वाला भी हाल हो जाता है तो ये टोटल डिपेंड करता है आपका उनका इंटरेक्शन कैसा हो रहा है और इंटरव्यू जस्ट एक पर्सनालिटी टेस्ट है नॉलेज तो होना ही चाहिए ऑब्वियस है जब आप मेंस लिखकर आए तो आपके पास बहुत अच्छा खासा ज्ञान होगा तभी आप मेंस लिखकर आए लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हैं एज अ पर्सनालिटी जो वहां पर जांची जाती हैं तो बस इस ये जो है ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये एज अ यू पी एस जब आप प्रिपरेशन करते हैं खुद ब खुद तैयार हो जाता है मतलब जो आप आठ घंटे की स्टडी करते हो ना तो आपके अंदर पेशेंस लेवल आ जाता है आप आप जब बार बार एग्जाम में फेल होते हो ना तो आप आप, आप अपने आप को जो पैनिक लेवल है उसको कंट्रोल कर पाते हो ठीक है जो आपका टेम्परामेंट है उस पर आप, 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 आप उस पर आप कंट्रोल कर पाते हो आपके आस इतनी सारी एक्टिविटी चलती है सोसाइटी में चल रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिवाली होली और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको अट्रैक्ट करती है लेकिन आप फिर भी यूपीएससी पर फोकस कर रहे हो तो ये आपका एक कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा रहे है, तो जो हमारी प्रिपरेशन है ना वही हमें कहीं ना कहीं तैयार कर दे रहे हमारे इंटरव्यू के लिए तो बहुत इसके लिए पैनिक नहीं होना है बस समझदारी से काम करना है इंटरव्यू में अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं और इसमें थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो कौन संभालेगा हमारा मेन्स संभालेगा इसीलिए मेन्स में अच्छे से आपको कमांड रखना है ठीक है तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा सेशन थोड़ा बड़ा हो चुका है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं हमारा यूपीएससी एग्जाम पैटर्न प्रिलिम्स मेंस इंटरव्यू तीन स्टेजेस हैं अलग अलग तरीके से आपको जांचा जा रहा है पहला ऊपरी तौर पर ठीक है दूसरा आपको पूरे बिल्कुल कंसेप्चुअल नॉलेज के बेसिस पे आपके ठहराव के तौर पर और तीसरा एज अ पर्सन एज अ पर्सनैलिटी आपके नॉलेज के साथ आपकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है वो जाचा जा रहा है फिर आपको कमांड दिया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का ठीक है यहाँ तक सबको क्लियर है क्या अगर मेरा टारगेट 2026 है तो मैं आज से कब तक का करंट अफेयर देखो अभी क्या करना है ना बहुत सिंपल है दो है 2028 हजार अट्ठाईस है दो कभी का भी आप एग्जाम दो करंट अफेयर के लिए ऐसा कब से कब तक नहीं होता है करंट अफेयर क्या है कब से कब तक का नहीं जैसे अब आप, आप, आप कुपोषित हैं तो आप कुपोषित के लिए कब से कब तक नहीं आप बस पोषण लेना चालू करो धीरे धिर, धीरे खुद रिकवरी कर जाओगे तो ऐसे आप अभी का पढ़ना चालू करो आपको ये नहीं कि कब से पुराना जाके पुराना छोड़ो ना पहले डेली का पढ़ना चालू करो मतलब जो

पे काम करना चाहते हैं बस है अब इससे ज़्यादा मत भागो ये भी 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 वेबसाइट फॉलो कर कर लो लो वो वो अरे जिस दिन मैं करूंगा मैं अठारह महीने से ही करूंगा मैं जाऊंगा वापस पुरानी जनवरी से और वहां का करंट ऐसा नहीं करना है ठीक है तो बिल्कुल आराम से चीजों को कवर करना है सारे पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है नहीं प्रिलिम्स के पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है मेंस के सब्जेक्टिव टाइप है और आपका इंटरव्यू ओरल वर्बली चलता है ठीक है चलिए यहां तक आई थिंक सभी को आ, मैम हिंदी ले सही है देखो सारे ही सही हैं ऑप्शनल हिंदी अच्छा सब्जेक्ट है छोटा है ठीक है मतलब छोटा तो ऑप्शनल है तो क्या ही होगा लेकिन हाँ ठीक है आ, कवर कर सकते हैं आप अच्छे से तो ये देखो ये सब क्या लेना नहीं लेना वो आप पे डिपेंड करता है मैंने तो बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक बता दिया गाइडेंस वाइज आई थिंक यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया है हाँ, करंट अफेयर पढ़ना करंट अफेयर पढ़ना क्या आप बस डेली न्यूज़पेपर पढ़ो एक महीने में मैगजीन ले आओ जैसे बचपन में कहानियां पढ़ते थे छोटे छोटे चाचा चौधरी टाइप का तो ऐसे ही मैगजीन लाके उसको रीडिंग मार लेने का कहीं कहीं पॉइंट लगे उसको हाईलाइट कर लो और फिर जब मौका लगे दोबारा कभी रिविजन कर लो उसको बैगेज की तरफ मत लेकर चलो जब भी आप बोझ बना लोगे ना तो आप कभी नहीं कुछ कर पाओगे बोझ नहीं बनाना है उसको एंटरटेनमेंट वाइज क्या रहे अच्छा चलो ये पढ़ रहे हैं पढ़ के अंडरलाइन कर लिया बस अब अगली बार पढ़ेंगे कभी मौका मिले पंद्रह दिन में तो यहां तक मैं आ, समझती हूँ सबको क्लियर हो गया होगा बाकी अभी सेशन काफी टाइम हो चुका है जल्दी इस तरह के और भी हम लाइव सेशन लाएंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ तो आप लोग को क्या करना है कॉमेंट सेक्शन में वीडियो आने के बाद बताइए कि मैम अगला जेनरिक सेशन किस पे कराए ऑप्शनल पर कराए पे कराए कोई और चीज आप जानना चाहते हैं यूपीएससी से रिलेटेड वो बताइए ताकि हम उस पर स्पेशली आपको गाइड कर सके ठीक है तो चलिए फिर आज के सेशन को यही रोकते हैं बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिएगा रिवीजन करते रहिएगा और हाँ मेरी मंडे जो है हिस्ट्री की क्लास तो कल रात आठ बजे आपको हिस्ट्री की क्लास मिल जाएगी आप उसे देखिए हिस्ट्री का पूरा सीरीज पड़ा हुआ है उसको अच्छे से फॉलो करिए इनशीट अभी चल रहा है बहुत अच्छी आपको आपकी उस पे कमांड हो जाएगी ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन में तब तक अपना ध्यान रखिए रिविजन करते रहिए थैंक यू